ये कहानी है एक 20 वर्षीय लड़के की जो कि 10वीं का छात्र है। ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, रमेश। ये लीजिए, आप कमरा नंबर 22 में चले जाइए। यहाँ से दर्द, वहाँ पर आपकी बलगम की जांच होगी। अभी आप चले। डॉक्टर साहब, इसमें खर्चा तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, ये सरकार द्वारा मुफ्त में करी जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जांच की रिपोर्ट आती है, जिसमें दुर्भाग्यवश मुझे टीबी से ग्रस्त पाया जाता है। दीदी, आपको पर्चा दे रहा था।
ठीक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप इसका पूरा इलाज लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद हम पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आप काम क्या करते हैं? दीदी मैं 10वीं का छात्र हूँ, अभी परीक्षा में। और आपके कितने लोग हैं? कुल मिला के 3 लोग हैं, लेकिन पिताजी बाहर रहते हैं तो मैं और मेरी माँ ही यहाँ रहते हैं। और कोई 6 साल का छोटा बच्चा तो नहीं? आपने यू बातों को ख्याल रखना पड़े लो। आप जेब ही मिला 1 मीटर की दूरी पर रहा और खुला मां कभी ना थूका। मुख पर हर समय यू मास्क लगाए के रखूं और जब भी खांसिया तो यनु खांसे। और हाँ, दवाई लेने के बाद बेसब्री कि पेशाब को रंग नारंगी हो, शरीर पर खाजी हो या हल्को बुखार हो, ये मां घबराने की कोई बात नहीं, यू दवाई की वजह से ही होने जा। अगर दिक्कत ज्यादा लगे तो एक बार डॉक्टर से दिखाई जरूर। टीबी ना केवल एक शारीरिक बीमारी है बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी खोखला कर सकती है। समय बदला, हालात बदले और फिर आए वह खुशी के पल। नमस्ते दीदी। अरे रमेश तुम आओ बैठो। शुक्रिया दीदी। और तबीयत कैसे तुम्हारी? दीदी एकदम स्वस्थ हूँ। ना रही दीदी, ना रहा बलगम, एकदम स्वस्थ हूँ। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूँ कि आपका शुक्रिया कर सकूँ कि आज आपकी मदद से मैं टीबी से इलाज पा पाऊँ। इसमें मुझे थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये मदद तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सबको दी जाती है। तो दीदी स्वास्थ्य मंत्रालय को भी शुक्रिया कि आज उनकी मदद के बाद मैं स्वस्थ हो पाया हूँ। और अब मैं आपको अपने सभी दोस्तों को और जानकारों को ये बताऊंगा कि 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी हो सकती है टीबी की निशानी। टीबी भले ही एक जानलेवा बीमारी है पर अगर सही समय पर जांच हो जाए तो इसका पूर्ण इलाज संभव है। अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें।